एंड वेलकम टू माई चैनल एस्पायरेंट्स ऑफ फ्यूचर आज के लेक्चर में हम एच ई सी हेड का पेपर डिस्कस करेंगे जो ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी को हुआ है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ये आपके पेपर का पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज ट्वेंटी वन वो कह रहे हैं दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करें तो ट्वेंटी वन आता है एंड द रेश टू नंबर इज सिक्स और इन दोनों को जब रेशो ली जाती है तो वो सिक्स आती है हमें बताएं उनमें से छोटा नंबर कौन सा फाइंड द स्मॉलर नंबर तो गिवन कंडीशंस के लिहाज से उसने कहा है कि दोनों का सम 21 है तो हम एक नंबर को एक्स्यूम करते हैं दूसरे को वाई तो एक्स प्लस टू ट्वेंटी आपके पास इक्वेशन वन आ गई फिर उसने कहा है दोनों की रेशियो है वो सिक्स है तो एक्स रेशो वाई इक्वल सिक्स इसको मैं लिख सकता हूँ रेशो वाले साइन को आप फ्रेक्शन वाले साइन से चेंज कर सकते हैं तो एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू सिक्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे y डिवाइड हो रहा है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो सिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू सिक्स वाई आ जाएगा आप ये x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन वन में कर दें x की जगह पे सिक्स वाई आ जाएगा प्लस वाईज टू ट्वेंटी सेवन थ्री आ जाएगी तो आपके पास y की वैल्यू थ्री आ गई अगर आप इसको x में सब्सिट्यूट करते हैं तो x का आंसर एटीन आता है उसने हमसे पूछा है कि इनमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है तो x और y में स्मॉलर y है तो थ्री आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टू यह पास पेपर में से रिपीट हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ एन दिनिटल ट्राइंगल विद वन साइड इक्वल्स टेन वो कह रहे हैं जी हमारे पास एक एकंगल है जिसकी एक साइड की लेंथ है हमें बताएं उसका एरिया कितना है इक्विलिटल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइड की लेंथ इक्वल हो तो यहां पर उसने एक साइड की लेंथ दे दी है तो इट मीन्स दूसरी साइड की लेंथ भी टेन होगी तीसरी साइड की लेंथ भी टेन होगी हमने उसका एरिया फाइंड करना है तो ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है एरिया ऑफ इक्वलिटल ट्राइंगल का थ्री स्केयर रूट डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाई बाई ए उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा एरिया का ट्वेंटी फाइव स्केर रूट थ्री ये आपके पास इक्वल ट्राई एंगल का एरिया होगा क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास है एंटोनिम बताना है डिप्रेशन का अब आपको पता है डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जहनी दबाव या परेशानी या कोई गम हो उसको कहते हैं तो आपके पास ये पांच वर्ड्स लिखे हुए हैं ऑप्शन में इनमें से कोई भी होगा तो उसका एंटोनिम होगा बूम है चेयरफुलनेस है, है, है मेरीमेंट है ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स है तो ऑप्शन में इनमें से कोई भी मौजूद है तो वो आप उसको टिक कर देंगे क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास इफ फोर एक्स इज लेस देन x is less एक्स इज लेस एक्स क्यूब इज लेस एक्सर फॉलिबल वैल्यू एक्सन ए में टू फिर करने के दो मैथी मैथडम आपको इनक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए राइट right चेंज करें तो इनक्वालिटी का साइन पर क्या फर्क पड़ता है तो वो जरा लेंथी मैथडो शॉर्ट मैथड में कैसे कर सकते हैं जो इनक्वलिटी दी हुई है उसमें एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करते जाए तो सबसे पहले ऑप्शन ए में वैल्यू टू दी गई है इन तो इक्वलिटी में जहां जहां एक्स है वहां वहां मैं टू लिख दूंगा तो फोर इंटू टू इज लेस देन टू इज लेस देन टू क्यूब इज लेस देन टू स्केर इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो फोर इंटू टू एट आ गया उसके बाद का 2, 2 का क्यूब 8, फिर 2 का 4. ये वाली इन नहीं होता एट इज ग्रेटर देन होता है तो इन इक्वलिटी में किसी भी पॉइंट पे अगर मिस्टेक आ गई है तो इन इक्वालिटी पूरी की पूरी रॉन्ग है तो एक्स वैल्यू जब टू आती है तो ये वाली इन इक्वालिटी वैलिड नहीं रहती हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं ऑप्शन बीटा में वैल्यू है वन तो मैं एक्स की जगह पे वन सब्सिट्यूट करता हूं फोर इंटू वन इज लेस देन वन इज लेस देन वन क्यूब इज लेस देन वन स्केयर तो आपके पास इसको सोल्व करेंगे four into one, four आया one, उसके बाद one का का क्यूब भी भी होता होता है one का square भी one होता है विच इज ऑल्सो रॉन्ग फोर इज लेस देन वन नहीं होता फोर इज ग्रेटर देन होता है तो इस इन में भी उसने फॉलो नहीं किया तो ये वाली इनक्वालिटी भी रॉन्ग है एक्स की वैल्यू इसमें फॉलो नहीं होती अब हम ऑप्शन सी चेक करते हैं ऑप्शन सी में एक्स की वैल्यू है माइनस वन बाई टू तो एक्स की जगह फोर इंटू माइनस वन बाई टू इज लेस एस की आंसर आता माइनस वन बाई टू फिर माइनस वन बाई टू का क्यूब तो आता है वन बाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाली इन बिल्कुल ठीक है माइनस टू जो है छोटा होता है माइनस वन बाई टू से माइनस वन बाई टू छोटा होता है माइनस वन बाई एट से और मा, जो माइनस वन बाई एट है वो छोटा फोर से. तो आपके पास इसका आंसर ट्रू आ गया एक्स की इस वैल्यू के लिए इनक्वालिटी दुरुस्त है तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास है ए अ डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड मीटर इन ट्वेंटी सेकेंड्स ए एक डिस्टेंस कवर करता है हंड्रेड मीटर का ट्वेंटी सेकेंड में कह रहा है, 100 meter race है, हमें बताएं जब ए फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका होगा तो बी फिनिशिंग लाइन से कितना दूर होगा यह हमने फाइंड करना है तो हम पहले स्पीड ऑफ ए फाइंड करते हैं स्पीड का फॉर्मुला क्या होता है डिस्टेंस डिड बाई टाइम तो डिस्टेंस आपके पास दोनों में कॉन्स्टेंट है हंड्रेड मीटर है तो टाइम टेकन बाय ए उसको लगते हैं बीस सेकेंड तो हंड्रेड डिवाइडेडी करेंगे तो आपके पास फाइव मीटर पर सेकेंड ये ए की स्पीड आ जाएगी स्पीड ऑफ बी के लिए आप क्या करेंगे B. B को लगते हैं 25 तो बी तो की स्पीड आपके पास आ जाएगी फोर मीटर पर सेकेंड ये उनकी रनिंग स्पीड है ए फाइव मीटर पर सेकेंड के लिहाज से रन कर रहे हैं जो बी है वो फोर मीटर पर सेकेंड के लिहाज से रनिंग कर रहे हैं अब ये देखिए कि जब ए हंड्रेड मीटर रेस पूरी कर लेगा तो उसको कितना टाइम लग रहा है उसको करने में 20 लग रहे हैं। तो उस ट्वेंटी हम ये देख लेते हैं उसकी स्पीड है सेकंड और ट्वेंटी सेकंड क्या है ट्वेंटी सेकंड वो टाइम है जिस दौरान ए फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका हुआ है। तो जब ए फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका होगा तो ए जो डिस्टेंस कवर करेगा वो फोर मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी होगा विच इज एटी मीटर मतलब ए जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका है तो बी उस वक्त 80 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है हमने ये फाइंड करना है कि बी फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है टोटल लेंथ 100 मीटर है 80 मीटर वो कवर अप कर चुका है तो पीछे आपके पास 100 माइनस एटी मीटर करेंगे तो 20 मीटर बचेगा बी फिनिशिंग लाइन से ट्वेंटी मीटर दूर होगा जब ए फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुका होगा तो ट्वेंटी मीटर विल बी योर आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके पास ऑब्सक्योर का मतलब एंटोनिम बताना है आपने Offscore का मतलब होता है गैर वाजिया या कोई छुपी हुई चीज जब अनक्लियर हो उसको कहते हैं तो इसके जो एंटोनिम बनते हैं वो क्लियर है प्लेन है रिवील है परफेक्ट है और फ्लॉलेस है इन वर्ड्स में से कोई भी आपके ऑप्शन मौजूद है तो वो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन आपके पास इफ द दिट ऑफ आ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 25 परसेंट एक रेक्टेंगल है जिसकी विट हमने इंक्रीज किया 25 परसेंट एंड लेंथ और जो लेंथ है वो उतनी ही रहती है जितनी इनिशियल थी फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने बताना है कि परसेंटेज चेंज कितना आता है रेक्टेंगल के एरिया में तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप एक ट्रिक फॉलो करें वो ट्रिक आपको बताई जा रही है सबसे पहले आपने ये जूम कर लेना है कि जो इनिशियल लेंथ और विड्थ है ना वो दोनों टेन टेन है तो जो इनिशियल एरिया आपके पास आएगा वो टेन मल्टीप्लाई बाय टेन हंड्रेड आ जाएगा अब आप वो आपसे कह रहा है कि द फाइनल विड्थ इज 25% ऑफ इनिशियल वैल्यू जो फाइनल विड्थ है वो इनिशियल विड्थ का 25% है मतलब वो 25% बढ़ चुकी हुई है तो आप उसको कैसे लिखेंगे wf wf का क्या मतलब है फाइनल विड्थ वो 12.5 आ जाएगी आप 10 का अगर 25% लें वो आता है 2.5 वो इनिशियल विड्थ में ऐड हो जाएगा तो वो 10 2.5 12.5 बन जाएगा तो जो डब्ल्यू एफ है वो फाइनल बीट है वो आपके पास ट्वेल्व पॉइंट फाइव आ चुकी है, और उसने कहा है कितना आ जाएगा टेन मल्टीप्लाई बाई तो वन ट्वेंटी फाइव आपके पास न्यू एरिया आ जाएगा आपने अगर परसेंटेज चेंज फाइंड करनी है तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया कर फाइनल एरिया आपके पास है 125, और इनिशियल एरिया है हंड्रेड तो वन ट्वेंटी फाइव माइनस हंड्रेड करेंगे तो ट्वेंटी फाइव आ गया तो आपके पास जो फाइनल एरिया है वो 25 परसेंट इंक्रीज करेगा क्वेश्चन नंबर एट आपके पास है हाउ मेनी डिग्रीज आर हैंड ऑफ अ क्लॉक कवर इन फाइव मिनट्स वो कह रहा है हमें बताएं पांच मिनट के दौरान जो आर हैंड है वो कितने डिग्रीज रोटेट करता है कितने डिग्री कवर करता है ये हमने बताने है. अब हमें कन्वर्जन पता है कि 12 घंटे अगर गुजरते हैं तो उस दौरान जो रोटेशन कंप्लीट होती है वो 360 डिग्रीज होती है पूरे क्लॉक में 12 घंटे और पूरे चक्कर में 360 डिग्रीज तो 12 घंटे की जो रोटेशन है वो 360 डिग्री के बराबर होगी और अगर मैं एक घंटे की रोटेशन फाइंड करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेल्व कर दूंगा तो मेरे पास एक घंटे की जो रोटेशन है वो थर्टी डिग्रीज के इक्वल आ जाएगी अब मैं एक घंटे को बोल सकता हूं कि वो सिक्सटी मिनट्स के इक्वल है तो सिक्सटी मिनट्स की जो रोटेशन होगी वो थर्टी डिग्रीज के इक्वल होगी अगर मैं वन मिनट की रोटेशन फाइंड करना चाह रहा हूं तो सिक्सटी जब जाके डिवाइड हो जाएगा तो थर्टी मतलब कि एक मिनट के दौरान आर हैंड जो रोटेशन करता है वो वन बाई टू डिग्रीज होता है हमने फाइंड करना है कि तो वो पांच मिनट में कितना रोटेट कर रहा है तो फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव मिनट की जो रोटेशन होगी फाइव मल्टीप्लाई बाय बाई टू तो पांच मिनट के दौरान आर हैंड जो रोटेशन करेगा वो टू पॉइंट फाइव डिग्रीज होंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास है एंटोनिम बताना है मीक का मीक का मतलब होता है कि शाइस्ता या जाना तबीयत वाला या जो इंकसारी रखने वाला या जो मुतमिल हो उसको बोलते हैं तो इसके अब जो एंटोनिम है उसमें आपके पास ओवर बेरिंग आता है सेटिव आता है जो गैर जो गैर मुतहमल शख्स हो जिसमें सब्र ना हो इमपेश इंसिस्टेंट तो ये सारे वर्ड्स आपके पास एंटोनिम्स में आते हैं इनमें कोई भी वर्ड्स आपके ऑप्शन में मौजूद होगा तो वो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टेन आपके पास है द सम ऑफ थ्री कंजेक्टिव और नंबर वो कह रहा है जी तीन कंजेक्टिव और नंबर्स का जो सम है वो टू फिफ्टी फाइव है हमें बताएं नंबर्स कौन कौन से हैं तो आप इसकी ट्रिक फॉलो करें एक मेथड तो इसका ये है ना कि हम कोई नंबर एक्स्यूम करें उससे नेक्स्ट कंजेक्टिव और नंबर करें उनको सबको एड करें फिर एक्स निकालें वो जरा लेंथी मैथड है तो आप इसकी ट्रिक फॉलो कर लें आपने क्या करना है कि जो सम दिया हुआ है उसको टोटल नंबर्स के साथ डिवाइड कर देना है उसने कहा है कि तीन नंबर्स का सम है और 255 है तो 255 को आपने थ्री पे डिवाइड कर देना है जो आपके पास आंसर आएगा 85 85 आपके पास मिडिल वैल्यू होगी एक आपने नेक्स्ट वाला ऑड नंबर लिख लेना है एक आपने प्रीवियस वाला ऑड नंबर लिख लेना है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 87 और प्रीवियस वाला क्या होगा 83 तो ये आपके पास तीन नंबर होंगे 83 85 87 आप इनको ऐड करके वेरीफाई कर सकते हैं इन तीनों का सम 255 ही आता है तो ये तीन ऑड नंबर हैं कंजकটিভ जिनका सम 255 आता है 83 85 एंड 87 क्वेश्चन नंबर है यूनिट डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ग्रेटर है दो पॉइंट्स टेंस वाले प्लेस सॉरी वो बड़ा है आप देखें अगर ट्वेंटी फाइव जैसे ऊपर ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर लिखा हुआ है तो इसमें देखें यूनिट डिजिट जो है वो फाइव है और जो टू है वो टेंस डिजिट है अब वो आपसे ये कह रहा है कि जो टेंस डिजिट है ना वो दो नंबर छोटा है और जो यूनिट डिजिट है वो दो नंबर बड़ा है और वो टू डिजिट नंबर है दूसरी कंडीशन क्या बताई जा रही है एंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 144 फाइंड द नंबर अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉसिबल नंबर हैं जिसमें यूनिट प्लेस दो नंबर बड़ा हो टेंस प्लेस से तो वो पॉसिबल क्या नंबर्स हो सकते हैं एक तेरा हो सकता है तेरह में देखें जो यूनिट प्लेस पे है वो थ्री है

उन दोनों जो डिजिट्स हैं उनको सम करके जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नीचे एग्जांपल का साइन है यहां पे प्लस का साइन आना ये मल्टीप्लाई का साइन आना ये टाइपिंग मिस्टेक है और इनका जो प्रोडक्ट है वो वन फोर्टी फोर आना चाहिए तो सबसे पहले हम तेरह को चेक करते हैं तेरह को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ वन प्लस थ्री उसके सम के साथ वन प्लस थ्री कितना आया चौबीस है। है। है, करते हैं ट्वेंटी फोर और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है टू और फोर के सम के साथ तो आता है सिक्स ट्वेंटी फोर सिक्स होता है तो ट्वेंटी फोर ऐसा नंबर है जिसने सेकंड को भी फुलफिल कर दिया है तो ट्वेंटी फोर आपका आंसर होगा इसका अल्टरनेटिव मेथड है जो बहुत लेंथी है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाती है और डेसिमल में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो जरा लेंथी मेथड है तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन ट्वेल्व में आपके पास इनगमेटिक का आपने आपनेम बताना है निगमेटिक का मतलब होता है गैर यकीनी या गैर वाजिया या कोई छुपी हुई चीज कोई खुफिया चीज हो उसके अपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं कि बिल्कुल सीधी सीधी चीज हो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो हो, डायरेक्ट हो, 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 क्लियर तो इन वर्ड्स में से जो भी आपके ऑप्शन में मौजूद होगा वो आपका आंसर होगा क्वेश्चन थर्टीन है आपके पास एंटोनिम बताना है अथराइज का अथराइज का मतलब होता है इख्तियार करना या फिर ऑफिशियल या मजाज बनाना तो इसके अपोजिट क्या हो सकते हैं कि कोई चीज अनऑफिशियल हो या वीटो या फॉरबिड अनऑफिशियल आउटला प्रोहिबिट तो इन वर्ड्स में कोई भी आपके ऑप्शन में मौजूद होगा तो वो ऑथोराइज का एंटोनिम होगा क्वेश्चन फोर्टीन है आपके पास इफ एक्स इक्वल वन बाय फोर देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस फोर अब देखें हमने एक्स रेज टू पावर माइनस फोर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं एक्स रेज टू पावर माइनस फोर है आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज पता है जब आप किसी वैल्यू को नियोमेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में में या से शिफ्ट करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है अब आपके पास टू पावर है इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके आता हूं तो टू पावर पॉजिटिव फोर हो जाता है जिसको मैं लिख सकता हूं टू पावर फोर अब इसमें मैं x की वैल्यू सब्सिट्यूट करने लगा हूं जो कि वन बाई फोर है तो मैंने एक्स की जगह पे वन बाई फोर लिखा अब वन की पावर फोर और फोर की पावर फोर सेपरेट कर देंगे तो जितनी मर्जी पावर ले लें आंसर वन ही आता है और फोर एज टू पावर को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो four को four times multiply करें, तो तो आता है। है, अभी आपके पास डबल है, तो ये जो 256 है ये ऊपर चला जाएगा तो टू फिफ्टी सिक्स आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस फोर का आंसर टू फिफ्टी सिक्स आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है आपके पास एंटोनिम बताना है रिवील का रिवील का मतलब रिवील का मतलब होता है फाश करना जाहिर करना या फिर इफ्शा करना तो इसके जो एंटोनिम्स हैं उसके में क्या आएगा किसी चीज को हाइड करना छुपाना रिफ्यूज है कंसील है हाइड है कंट्राडिक्ट है डीनाई है तो ये सारे वर्ड्स हैं जो इसके एंटोनिम्स में हो, पॉसिबल हो सकते हैं तो इनमें कोई भी वर्ड अगर आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपके पास थ्री मैन और सिक्स वुमेन कंप्लीट अ टास्क इन ट्वेंटी डेज वो कह रहा है तीन मर्द तीन आदमी अगर काम करें तो उनको बीस दिन लगते हैं या अगर छह खाती काम कर रही हो तो उनको भी बीस दिन लगते हैं ये काम कंप्लीट कंप्लीट करने में हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एंड वीमेन टू द सेम टास्क वो कह रहा है अगर हम उसी टास्क पे बारह मर्द और आठ खातीन को लगा दें तो वो उनको कितने दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में अब जो हमें इंडिशियल कंडीशन बताई जा रही है उसमें अलहदा अलहदा देखें कि अगर तीन आदमी काम कर रहे हो या उसने ये नहीं लिखा थ्री मैन एंड उसने लिखा है थ्री मैन और कि अगर तीन आदमी काम करें या छे खीन काम करें तो तीन आदमियों का काम छह है सकते हैं तीन आदमी जितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं उतने ही दिनों में काम कंप्लीट करती हैं तो हम जो दोनों जेंडर हैं उसमें से किसी एक जेंडर को कॉमन कर देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं अब हमें पता है कि तीन मैन जो है वो छे वुमेन के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि जो एक आदमी का काम है वो दो खातीन के बराबर है अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि आपके पास 12 आदमी अगर काम करें तो 12 आदमी कितने खातीन के बराबर होंगे एक एक आदमी दो खातून के बराबर है तो 12 आदमी 24 खातीन के बराबर होंगे और साथ में उसने कहा है कि आठ खातून और अलहदा भी हैं तो 12 मैन के इक्वल 24 खातून होंगी और आठ खातून अलहदा होंगी तो बारह चौबीस और आठ मिलकर आपके पास टोटल थर्टी टू विमेन होंगी जो इस टास्क को कंप्लीट करेंगे अब हमने क्या किया है हमने ये किया है कि मेन को एक्सक्लूड कर दिया है जस्ट वीमेन और नंबर ऑफ डेज में रिलेशन बना लिया अब हम स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एक काम को बीस दिनों में करती हैं तो बत्तीस खातीन उसी काम को कितने दिनों में करेंगी अब हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया तो आपको पता है कि वीमेन और टाइम का यह जो रिलेशन है यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन मान रहा है कैसे पता चला आप जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे जितनी ज्यादा खातीन होंगी

ट्वेल्व मैन और एट वीमेन को सेम टास्क कंप्लीट करने में थ्री पॉइंट सेवन फाइव डेज लगेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है आपके पास एंटोनिम बताना है फ्रावल का इसका मतलब होता है कि गैर संजीदा या फिर खफीफ या कोई ऐसी चीज जो अनइम्पॉर्टेंट हो तो इसके अपोजिट क्या हो सकते हैं सीरियस हो सकता है प्रैक्टिकल अरनेस्ट इंपॉर्टेंट सिंसियर तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वह आपका आंसर होगा इसमें जो बेस्ट सुटेड लाइ वो अर्नेस्ट है क्वेश्चन नंबर नंबर है आपके पास इज एडेड टू टाइम्स ऑफ अ रिजल्ट इन थ्री टाइम्स ऑफ दैट नंबर वट इज द नंबर वो कह रहा है जब आप सिक्सटीन को एड करते हैं किस में ऐड करते हैं वन बाय थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर किसी नंबर के वन थर्ड में एड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है

उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री एक्स इंटू थ्री नाइन एक्स यहां से आपके पास एंटोनिक बताना है रिकवर का रिकवर का मतलब होता है कि बाज सेहत की बहाली या फिर दोबारा हासिल करना किसी चीज को जिस तरह रिकवरी है उस, उस आता है तो आप इसके एंटोनिम्स में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं लूज है डिक्लाइन है डिटोरियेट है मिस है हर्ट है तो इनमें से कोई भी अगर आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपका आंसर होगा ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन में मौजूद थे वो डिटोरियरट था तो आपके पास उसको टिक करेंगे आप अगर डिटोरी रेट ऑप्शन में मौजूद है इसके अलावा कोई मौजूद है तो वो इन वर्ड्स में से कोई भी हो सकता है ये सारे उसके एंटोनिम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपके पास थ्री ए बी एंड सी डिवाइड टू थाउजेंड रुपीज कह रहा है जी तीन आदमी हैं जो अपने दरमियान में दो हजार रुपए तकसीम करते हैं तो हम लिख सकते हैं उन तीनों को जब ऐड उन तीनों का शेयर जब ऐड किया जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू थाउजेंड इक्वेशन वन आ गई द शेयर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल तो मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू बी फिर वो आपसे क्या कह रहा है कि जी ये इक्वेशन टू आ गई फिर वो आपसे कह रहा है कि वाइल सी गेट्स वन बाई फोर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी वो कह रहा है जो सी का शेयर है वो वन बाई फोर है सम ऑफ ए और बी के शेयर के तो सी इज इक्वल टू वन बाई फोर आ गया सम ऑफ ए एंड बी ए एंड बी आ गया तो इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं जो राइट हैंड साइड पे फोर डिवाइड हो रहा है उसको लेफ्ट पे लेके आऊंगा तो वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन बनेगी फोर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आपके पास इक्वेशन थ्री आ गई अब आपने क्या करना है ये जो ए प्लस बी की वैल्यू है ये 4C के इक्वल है तो आप इक्वेशन थ्री से ए प्लस बी की वैल्यू उठाएं और इक्वेशन वन में पुट कर दें तो इक्वेशन वन में ए प्लस बी की जगह पे फोर सी आ जाएगा प्लस सी एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू टू थाउजेंड आ जाएगा तो फोर सी प्लस सी फाइव सीवल टू टू थाउजेंड तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टू थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव तो सी का जो शेयर होगा वो फोर हंड्रेड रुपीज होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है आपके पास एंटोनिम बताना है डिस का अब इसका मतलब होता है किसी काम से रुक जाना बाज आ जाना किसी काम को रोक देना तो इसका जो अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं वो आपके पास हो सकते हैं परसिस्ट इन या किसी काम को कंटिन्यू करना परजेवरेंस साबित कदमी बोलते हैं इसको या प्रोसीड करना या प्रजेर है तो आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपके पास करेक्ट होगा इसमें जो बेस्ट है वो आपके पास प्रजेवरेंस है साबित कदमी बोलते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन हाउ मेनी वेज सिक्स कप्स कैन बी अरेंज ऑन अ शेल्फ आपके पास वो कह रहा है छह कप हैं हमें बताएं आप उसको एक शेल्फ में कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं तो ये भी पास पेपर से आया हुआ है आपने क्या करना है जितने आपको कप्स दिए गए हैं उतना आपने फैक्टोरियल फाइंड कर लेना है अब जिन स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल का नहीं पता वो देख लें जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल फाइंड करना होता है ना आपने उस नंबर को सबसे पहले लिखना है और एक एक नंबर कम करते जाना और सबको मल्टीप्लाई कर देना टिल वन मतलब जैसे थ्री का फेक्टोरियल तो तो चलते, चलते, कर देंगे यहां पर छे कप है तो आपने उनके अरेंट कैसे फाइन करेंगे सिक्स फेक्टोरियल कर दें तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाई फो मल्टीप्लाई थ्री मट्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास सेवन ट्वेंटी आता है तो जो टोटल कप्स की अरेंजमेंट्स बनेंगी वो आपके पास सेवन ट्वेंटी बनेगी तो सेवन ट्वेंटी अरेंज कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स गेट नेट और हेड की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या ई पर कांटेक्ट कर सकते हैं उनको इनशाला बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पास पेपर डाटा टेक केयर अल्लाह हाफिज असल